फिल्म जो चुन रहे हैं इसका नाम तारे जमीन पर है, इसमें एक बच्चा है, डिसलेक्सिक बच्चा है, कौन आएगा आपकी ये डिसलेक्सिक बच्चे की फिल्म देखने के लिए? दे डोंट क्वेश्चन मी, जैसे कि आपको जो बनाना है बनाइए, वी ट्रस्ट यू. जब वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसको लेट डाउन कैसे कर सकता हूं? जिम्मेदारी मेरी बनती है. उसने, मैंने जम्मू सुगंध जब फाइनेंस कर रहे थे लगान, जिम्मेदारी मेरी थी. लगान उस वक्त बहुत कीमती फिल्म थी, मतलब उस दौर में इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म, और इट वॉज ब्रेकिंग, एज जावेद साहब पॉइंटेड आउट टू अस इन ग्रेट डिटेल, इट वॉज ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ ऑफ इंडियन सिनेमा, मेन स्ट्रीम इंडियन सिनेमा एट दैट टाइम. बट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मी कि भैया ये पैसे, इसको जितने जित लोगों ने पैसे लगाए हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, एग्जिबिटर हो, प्रोड्यूसर हो, फाइनेंसर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब डिस्ट्रीब्यूटर हो, एग्जिबिटर हो, डाउन द लाइन पीपल शुड अर्न मनी. ओनली देन विल द बिजनेस प्रॉस्पर ऑन द होल, एंड ओनली देन विल I believe in the old, age-old tarika of earning money. I'm a performing artist. I come under the section of performing arts. तो performing arts का सबसे पुराना दस्तूर ये था कि आप सड़क पे कुछ भी करतब करते थे या कुछ भी अपना हुनर दिखाते थे, और उसके बाद आप टोपी निकाल के सबके पास जाते थे कि भैया आपको अच्छा लगा तो इसमें डाल दो. कुछ लोग डालते थे, कुछ लोग नहीं डालते थे. मेरा मॉडल एक्चुअली वही है, एग्जैक्टली मेरा मॉडल है वही मॉडल. मैं पैसे लेना तो मैंने बंद कर दिया ना अप फ्रंट टोटली, मैं पैसे ही नहीं लेता. आई डोंट चार्ज अ सिंगल रुपी फॉर माय फिल्म्स. अगर फिल्म, जो भी फिल्म धंधा करती है, पहले वो फिल्म के पैसे वापस जाते हैं, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस जाता है, cost. जितने लोगों ने, हाँ, जो कॉस्ट निकल गया है, व्हेन एवरीवन इज पेड एंड ऑल कॉस्ट आर रिकवर्ड, आई बिकम अ परसेंटेज इन प्रॉफिट्स. तो अगर फिल्म अच्छी नहीं चली और नहीं अच्छी बनी तो मैं नहीं कमाऊंगा, लेकिन किसी को नुकसान नहीं होगा, वो मुझे, आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इन सम वे. So I don't want that. It's so that is one of the reasons also why my films become successful. So I'll give you an example. Talash jo film hai, Talash meri film hai, wo 95 crores usne kiya. Ab aam taur pe logon ko lagta hai ye meri film jo thi ye nakamyab rahi. Bahut kamyab rahi, humko actually overflow mila Talash mein. Kyunki jab main film plan karta hu, ye main aapko, actually this is one very important aspect ki Talash mujhe bahut pasand aayi thi kahani. अब मुझे भी अंदाजा था कि ये 300 करोड़ की फिल्म नहीं है, ये अंदाजा मुझे भी है, लेकिन फिर भी मुझे करना है. और उसकी कहानी मुझे इतनी पसंद इसलिए आई क्योंकि इट वॉज ऑन अ थॉट कि हाउ टू कम टू टर्म्स विद लॉस. हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोते हैं, कभी हम कोई चीज खोते हैं, कभी हम कभी किसी इंसान को खोते हैं, कोई रिश्ता खोते हैं, फॉर वेरियस रीजंस. एंड तलाश वॉज अ फिल्म अबाउट दैट, कमिंग टू टर्म्स विद लॉस. इट वॉज अ वेरी यूनिक थॉट फॉर मी, मैंने आज तक ऐसी कोई कहानी नहीं की थी. एंड दैट इज वॉट एक्साइटेड मी, हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद लॉस. आपका बच्चा 7 साल की उम्र में मर चुका है, हाउ डू यू कम टू टर्म्स विद दैट. करीना इज कमिंग टू टर्म्स विद लॉस, उसकी जिंदगी चली गई. शी इज, यू नो, ऑफकोर्स इट्स सुपर नेचुरल, बट शी इज अ गोस्ट हुज लॉस्ट हर लाइफ. शी हैज टू कम टू टर्म्स विद दैट. फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स शी इज लॉस्ट हर लाइफ. So everyone in that film is dealing with loss, and that is what I got attracted to this film. अब मुझे ये पता है कि ये बहुत commercial idea नहीं है या ये बहुत mainstream idea नहीं है, ये मुझे भी अंदाजा है, लेकिन मुझे वो film करनी है. तो what we do, Farhan, Ritesh, me, all of us, we sit together and say, यार ये film की cost इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जब इससे ऊपर नहीं जाएगी तो जो financier है, which I think was Reliance at that time, we made sure that the film was given to them at that cost. So माई प्रिडिक्शन वेन वी वर प्लानिंग द प्रोजेक्ट वॉज के ये 7-70 का धंधा करेगी, मेरा अंदाजा था. उसने 95 का धंधा किया, तो हम एक्चुअली वी डिड बेटर देन वॉट वी एक्सपेक्टेड. तो मुझे कोई तकलीफ नहीं कि 300 का धंधा नहीं किया. तो मुझे अल्टीमेट नंबर में इंटरेस्ट नहीं है. आई वॉन्ट टू थिंग्स. वन, आई वॉन्ट टू मेक द फिल्म आई वॉन्ट टू मेक. आई वॉन्ट ऑडियंसिस, जिनके लिए मैंने फिल्म बनाई है उनको खुशी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका लॉस नहीं होना चाहिए. ये तीनों चीजें हो जाए, फिल्म इज सक्सेसफुल फॉर मी. You know, every film cannot do 1,000 crore and 3,000 crore. Her film ki apni ek, you know, chalang hoti hai. But as creative people, hame apne decisions restrict nahi karne chahiye. Maan lijiye hum sab tay kar rahe hain is kamre mein ki bhaiya aaj se main sirf 300 crore ki film banaunga. To matlab kaun si film hogi wo jo hum 300 crore ki likhne chalenge? You see, you have to go with your heart. Wo film, अभी तारे जमीन पर ने, आई थिंक, याद नहीं आ रहा है मुझे, 85-88 करोड़ का धंधा किया था उस वक्त, और साल की शायद वो नंबर 2 फिल्म थी. वेलकम वॉज नंबर 1.
It's a super hit for me. People have loved it. The kind of impact that Taare Zameen has had on people's hearts and minds. It's one of my biggest successful films, in my opinion.